गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की यह साखी हुजूर जी के समय की साखी है और इस साखी का विषय है जब बाबा जी ने एक सत्संगी को कहा था कि तू कल मर जाएगा, इसके पीछे क्या रूहानियत थी, इस साखी को आज हम पूरा श्रवण करेंगे। एक सत्संगी पास ही व्यास के गांव से था। वो जब भी व्यास में आता तो बाबा जी से एक बात पूछता कि मेरी मौत कब होगी या मैं कब मरूंगा, तो हुजूर जी हर बार उसकी बात को टाल देते। एक दिन वो जिद कर बैठ गया कि बाबा जी आज आपको बताना ही पड़ेगा। तो बाबा जी कहने लगे कि तू नहीं मानेगा, चल आज मैं तुझे बता ही देता हूँ। तो बाबा जी थोड़ी देर चुप होने के बाद कहने लगे कि तू कल मर जाएगा। यह बात सुनकर तो उसके पैरों के तले से जमीन ही निकल गई। वो उस वक्त चुप हो गया, उसे मरने का डर लगने लगा। अगर किसी भी सत्संगी ने खूब नाम सिमरन किया हो तो मौत के नाम से नहीं डरता है और ना ही मौत से, पर उसने सेवा खूब की थी लेकिन भजन सिमरन नहीं किया था। उसके मन में ये था कि पूरी उम्र बीत गई और भजन सिमरन तो हुआ ही नहीं और अंदर भी कुछ नहीं देखा। वो सत्संगी ये सोचता है कि आधा दिन और एक रात अभी बाकी है। वो सत्संगी अपने घर आ गया और उसका सिमरन लगातार चल रहा था। वो एक पल पल का फायदा ले रहा था। वो सीधा अपने घर आया और सीधा अपने कमरे में आ गया। उसने अपने घर वालों को बोल दिया कि मुझे कोई परेशान ना करे और कल बाहर से दरवाज़ा तोड़कर मुझे निकाल लें। वो सत्संगी सारी रात भजन करता रहा और उसका दसम द्वार खुल गया। सुबह क्या देखता है कि वो मरा ही नहीं, जिंदा था। उसने अपने मन में सोचा कि मैं तो मरा ही नहीं, बाबा जी ने मुझे झूठ क्यों बोला। वो सीधा डेरा ब्यास बाबा जी के पास गया। उसने बाबा जी को बोला, बाबा जी आपने तो मुझे कहा था कि मैं कल मर जाऊंगा, देखो मैं तो जिंदा हूँ। बाबा जी ने बड़े ही प्यार से कहा, तू जीते जी मर तो गया है। वो सत्संगी रोने लगा और बाबा जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, ये कहकर बाबा जी के पैरों में पड़ गया। तो सात संगत जी, हमें भी इस साखी से शिक्षा लेनी चाहिए और ये जितनी भी साखियाँ हमें सुनाई जाती हैं, इन सभी का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप सभी को भजन और सिमरन की तरफ आकर्षित करना है, ताकि आप अपने भजन सिमरन को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएँ और हर एक तुक हमारे भजन सिमरन के ऊपर आकर ख़त्म होती है। तो हमें भी इन सभी साखियों से, सत्संगों से प्रेरित होना चाहिए जो हमें बाबा जी महाराज फरमाते हैं कि इस दुनियादारी में रहते हुए अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए हमने भजन सिमरन करना है, लेकिन इस नाशवान संसार में अपने मोह को ज़्यादा नहीं फंसाना है। तो हमें भी इस साखी से हिदायत लेनी चाहिए और हुजूर महाराज बाबा जी महाराज की हमें बात मानकर भजन सिमरन करना चाहिए। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं एक और नई साखी के साथ। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।